पीपीगंज थाना क्षेत्र के रोहिन नदी बंधे पर 1 अक्टूबर को बक्से में मिली महिला के शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है तथा घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मेस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंपियरगंज व एएसपी राहुल भाटी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना शाहपुर के मोहल्ला गंगानगर के से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विनय कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम विरिच वर्मा निवासी मोहल्ला गंगानगर थाना शाहपुर तथा शाहिल भारती पुत्र गोपाल भारती निवासी राम जानकी नगर थाना चिलवा ताल के रूप में हुई है, जिनकी निशानदेही पर 1 मोटरसाइकिल 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि हत्या का कारण अवैध संबंधों को लेकर आए दिन होने वाले घरेलू विवाद हैं। हत्या आरोपी विनय कुमार वर्मा ने, जो कि मृतिका का पति है, विनय कुमार वर्मा का सहयोग उसके साथी साहिल भारती ने किया है, जिसके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत करके 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में पीपीगंज थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्र, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल इकराम खान, कांस्टेबल उपेंद्र यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज व एएसपी राहुल भाटी ने कहा, दूसरा है साहिल भाटी। जिन्हें वर्मा कौन है इसमें से? रहने वाला एक है चिलुआ ताल क्षेत्र का और दूसरा है मोहल्ला गंगानगर थाना शाहपुर, यही जनपद गोरखपुर के लिए दोनों रहने वाले। 1 वर्ष हुआ था इनकी शादी। ये थाना पीपीगंज में गायघाट क्षेत्र में 1 अक्टूबर को एक अज्ञात महिला का शव एक बक्से में बरामद हुआ था, तो इसमें 2 अभियुक्त आज 4 तारीख को सुबह 11 बजे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक का नाम विनय कुमार है और दूसरे का नाम साहिल भारती। एक पति है जिसकी उम्र 34 वर्ष है, दूसरा उसमें सह अभियुक्त है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। इसमें घटना में प्रयुक्त बाइक और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और घटना का मोटिव जो बताया जा रहा है वो है कि दोनों में आपसी संबंध अच्छे नहीं थे और मानसिक प्रताड़ना पत्नी के द्वारा पति की ऐसी है आरोप की करी जा रही थी। ये दोनों मित्र हैं और इसकी विनय कुमार वर्मा की एक मोबाइल की शॉप है, तो उसी में ये काम करता है। इसने जो प्रेस जो होती है अपनी आयरन, उसका जो वायर होता है मोटा, उससे स्ट्रैंगुलेशन करके इसने इसको मारा है और उसके बाद बक्से में बंद करके दोनों इन अपराधियों ने उसको मोटरसाइकिल पे ले जाके उस गायघाट क्षेत्र में उसको बक्से में बंद करके गिराया। नहीं, इन दोनों को कोई आपराधिक इतिहास नहीं।